वेलकम एवरीवन टू अनदर ऑडेसिटी ट्यूटोरियल। ये फिफ्थ ट्यूटोरियल है हमारी ऑडेसिटी ट्यूटोरियल सीरीज का। अगर आपने ऑडेसिटी पर मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेक श्योर टू चेक देम आउट। ऑडेसिटी के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ एन ऑडियो फाइल। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऑडियो फाइल को इम्पोर्ट करेंगे और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल पर, क्लिक ऑन इंपोर्ट, देन ऑडियो, और यहाँ पर एक टेस्ट फाइल है, इसको मैं इंपोर्ट करूँगा। सो आप देख सकते हैं ये टेस्ट फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन है, इससे आप इसको जूम इन कर सकते हैं या जूम आउट कर सकते हैं। सो ये एक 4 सेकेंड की फाइल है एंड इसकी वॉल्यूम जो है वो हम सुन के देखते हैं। दिस इज़ अ टेस्ट ऑडियो फॉर ऑडेसिटी ट्यूटोरियल सीरीज। सो इसकी वॉल्यूम मैं थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप अपनी ऑडियो का वॉल्यूम को गेन कर सकते हैं या फिर माइनस में ले जाएंगे तो आपकी ऑडियो की वॉल्यूम कम हो जाएगी। और यहाँ से आप जब ऑडियो को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पर ये वेव फॉर्म है, ये चेंज नहीं होती है। तो अगर मैं ऐसे यहाँ पर +6 पे चलाता हूँ, दिस इज़ अ टेस्ट ऑडियो फॉर ऑडेसिटी, तो वॉल्यूम तो यहाँ बढ़ गई है लेकिन जो वेव फॉर्म है ये यहाँ पर चेंज नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ से बढ़ाना मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इफ़ेक्ट्स पर जाएं एंड एम्पलीफायर पर क्लिक करें। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी भी इफ़ेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं अपने ऑडियो पे, तो सबसे पहले हमें कोई पार्ट ऑफ द फाइल या पूरी फाइल को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो तभी वो इफ़ेक्ट आपकी ऑडियो पर लग पाएगा। तो यहाँ पर हमें पूरी फाइल की जो वॉल्यूम है वो हमें बढ़ानी है, तो हम Ctrl+A पर क्लिक करेंगे ताकि ये पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद हम इफेक्ट पर जाएंगे एंड एम्पलीफायर पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एम्पलीफिकेशन इन डेसिबल दिया हुआ है, तो जैसे ही मैंने एम्पलीफायर पर क्लिक किया है आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 11.115 यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल चेंज करे बिना ओके दबाता हूँ, दिस इज़ अ टेस्ट ऑडियो फॉर ऑडेसिटी ट्यूटोरियल सीरीज। सो ये जितनी बिना क्लिपिंग के आपकी ऑडियो बढ़ सकती है वो उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर रख रखा है। मैं फिर से अंडू करता हूँ एंड फिर से इफेक्ट पे जाते हैं हम, तो 11.115 जो है ये मैक्सिमम विदाउट क्लिपिंग हमारी वॉल्यूम बढ़ सकती है। अगर मैं अलाउ क्लिपिंग पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो मैं कितना भी बढ़ा सकता हूँ, इसको 50 तक ले जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर 18 कर देता हूँ या फिर मैं इसको 23 कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो ऑडियो है यहाँ से क्लिप हो चुका है। अब आपको पूरा जो वॉल्यूम है एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ आएगी और कटी कटी आवाज़ आएगी। दिस इज़ अ टेस्ट ऑडियो, तो आप सुन पा रहे होंगे पूरा जो वॉल्यूम है वो फट चुकी है। इसलिए आपको अलाउ क्लिपिंग को सिलेक्ट नहीं करना है। जब भी आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप इसके ऊपर जाके इफेक्ट लगा नहीं पाएंगे। ओके, सो अब यहाँ पर हमें 11.115 की वैल्यू से अगर नीचे जाना है तो आपकी ऑडियो की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। सो अगर मैं इसको -7 कर देता हूँ एंड ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पर, दिस इज़ अ टेस्ट ऑडियो फॉर ऑडेसिटी ट्यूटोरियल सीरीज, कम हो चुकी है। फिर से मैं अंडू करूँगा, फिर से इफेक्ट पे जाऊँगा एंड यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको मैं ओके कर दूँगा, दिस इज़ अ टेस्ट ऑडियो फॉर ऑडेसिटी ट्यूटोरियल सीरीज। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने पार्ट की जो वॉल्यूम है वो एक लेवल की है और यहाँ जो स्टार्टिंग के ये जो 3 लेवल हैं ये थोड़े से हाई आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर इतने पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद इफ़ेक्ट पे जाऊँगा एंड एम्पलीफायर पर जाऊँगा और यहाँ से मैं अगर मैं थोड़ा सा इसको लेफ़्ट की तरफ ले जाता हूँ, माइनस की तरफ ले जाता हूँ एंड इसको मैं -3.2 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो लेवल है वो एक बराबर हो गए हैं और अब जो ऑडियो है वो कहीं तेज़ कहीं धीमी ऐसी नहीं आएगी, बराबर लेवल पे आएगी। चलिए सुन के देखते हैं, दिस इज़ अ टेस्ट ऑडियो फॉर ऑडेसिटी ट्यूटोरियल सीरीज। तो आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल एक लेवल की वॉल्यूम आ रही है, कहीं ज़्यादा नहीं आ रही है कहीं कम नहीं आ रही है। तो ऐसे आप कुछ पार्ट को सिलेक्ट करके भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप भी अपने ऑडियो की वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और ऑडेसिटी को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।